आपकी तबीयत एक नाटक लग रही है। नहीं छोड़ो मुझे आपके साथ, मैं अपने सास ससुर और अपने पति अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। कोई नहीं मरेगा। पटना के एक दिव्यांग लड़के आकाश को गुजरात के अंकलेश्वर के हीरा व्यापारी की बेटी से प्यार करना भारी पड़ गया। आकाश को गुजरात पुलिस ने पोसो एक्ट के तहत जेल भेज दिया है, जिसके बाद आकाश के घर वालों का कहना है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अंकलेश्वर जाकर आकाश को छुड़ा लें। दरअसल लॉकडाउन में आकाश और हीरा व्यापारी की बेटी फेसबुक के जरिए एक दूसरे के दोस्त बने। लड़की न केवल गुजरात के बड़े हीरा व्यापारी की बेटी है, बल्कि खुद भी हीरे का बिजनेस करती है। लड़के की आर्थिक हैसियत लड़की के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। दोनों के बीच दोस्ती इतनी बढ़ गई कि प्यार हो गया, जिसके बाद 27 अगस्त को व्यापारी की बेटी फ्लाइट से आकाश के पास पहुँची। 3 दिन आकाश के घर पर रहने के बाद 30 तारीख को दोनों मंदिर में शादी करने पहुँचे। बाबूजी अपनी बेटी की तबीयत एक नाटक लग रही है। नहीं छोड़ो मुझे आपके साथ, मैं अपने सास ससुर और अपने पति अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। कोई नहीं मरेगा, मुझे मार के जो करना होगा वो करना, मुझे नहीं करना, मैं नहीं छोड़ूंगी। वीडियो बना नहीं पहुंच पाऊंगा। आप पाताल लोक में पहुंचोगे मेरे साथ, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने परिवार के साथ, अपने सास ससुर अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कोई गुमराह नहीं। तुम यार अपना देख रहे हो यार, अपना तुम किसी लड़की का लाइफ बर्बाद कर रहे हो। पहले जॉब हो जाएगा तब शादी करते हैं। यही तो मंदिर, हम इसकी माँ नहीं, बाप हैं, हम इसको हिम्मत देंगे। लेकिन शादी होने से पहले ही लड़के के पिता समेत बाकी घर वालों ने मंदिर पहुंचकर शादी रुकवा दी और लड़के की गिरफ्तार कर लिया, जिस पर लड़की ने मंदिर में रोना पीटना शुरू कर दिया। लड़की का कहना है कि वो अपने घर वापस नहीं जाएगी। माता पिता का आरोप था कि लड़की नाबालिग है। इस पर गुजरात पुलिस ने वर वधू दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ अंकलेश्वर ले गई है। न्यूज़ डेस्क।